जो इंडिया खड़ा किया है वो जो मतलब फेल होता दिख रहा है। राम मंदिर बनवा दिया हमने, महिलाओं को हजार हजार रुपए महीना मिल रहे हैं, ये पब्लिक है सब जानती है। क्षेत्र के लिए भले नए होंगे, बाकी उनकी राजनीति पुरानी है। इस बार तो एमपी के नहीं हर स्टेट के चुनाव बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाले। मतलब नहीं, बीजेपी ने विकास किया है, विकास को वोट देंगे। तो मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव नजदीक है, 17 नवंबर को चुनाव होने हैं और आज दिन भर वीके न्यूज ने मध्य प्रदेश की अलग अलग विधानसभाओं का हाल जाना और लोगों से पूछा, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से बात की और साथ ही साथ उन प्रत्याशियों से भी बात की जो चुनावी मैदान में इस बार उतरे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि जनता का मूड क्या है, हम एक ऐसी जगह इस वक्त मौजूद हैं जो इंदौर की शान कहलाता है, यह है सराफा बाजार, जो दिन में एक सोने चांदी के व्यापारी यहाँ पर अपना व्यापार करते हैं तो वहीं रात में इंदौर का ये सराफा बाजार खाने पीने की रौनकें बटोरता है और इसीलिए इंदौर की हर विधानसभा क्षेत्र के लोग यहाँ पर नजर आते हैं। आइए हम आज यहाँ पर लोगों से जानते हैं कि उनके दिल में क्या है, क्योंकि हर प्रत्याशी का ये मानना है कि उनकी जीत पक्की है, लेकिन जीत पक्की तभी हो सकती है जब जनता के दिल में वो प्रत्याशी अपने लिए जगह बना चुका हो। तो आइए हम बात करते हैं अलग अलग विधानसभा के लोगों से, उनसे जानते हैं कि वो किस प्रत्याशी को अपना मत देंगे। अभिषेक जी, आप इंदौर की कौन सी विधानसभा से? विधानसभा एक से हूँ मैं। विधानसभा एक यानी कि सबसे हॉट सीट संजय शुक्ला वर्सेस कैलाश विजयवर्गीय, तो आपका मूड क्या है, किसे वोट देंगे? देखिए, मैं वोट किसे दूंगा ये तो नहीं बोलता हूँ, बताऊंगा नहीं दूंगा। बाकी जो संजय शुक्ला जी हैं वो सक्रिय रहते हैं हमेशा जनता के बीच में, जनता के सेवक हैं वो। उन्होंने कोविड में भी बहुत अच्छा काम किया है, घर घर राशन तक पहुंचाया है उन्होंने कोविड में, जब सारी दुकानें बंद थी, है ना। सभी के सेवक, सभी का साथ देने वाले हैं वो, जमीनी कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। तो मैं तो उनका ही सजेस्ट करूंगा सभी को। तो एक नंबर विधानसभा में हमने बात की अभी अभिषेक जी से, जो एक नंबर विधानसभा से, उनका कहना है कि सेवक वर्सेस चाणक्य के बीच में वो एक सेवक को, वो एक बेटे को चुनेंगे। लेकिन हम और भी लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो इंदौर की कौन सी विधानसभा से हैं। भाई साहब, आपका नाम जान सकते हैं? नारायण राठौर। नारायण जी, आप इंदौर में रहते हैं? हाँ। आप इंदौर की कौन सी विधानसभा से बिलोंग करते हैं? चार नंबर यानी मालिनी गौड़ वर्सेस राजा मांधवानी जी, तो आप किसे चुनेंगे? मालिनी गौड़। और वजह क्या है, इसकी वजह क्या है? अगर आप शुरू से बीजेपी को, अच्छा आपको लगता है बीजेपी ने इतना काम किया है कि आप बेवजह भी आप बीजेपी को वोट कर सकते हैं? बहुत अच्छा काम किया हमने, क्यों नहीं किया। राम मंदिर बनवा दिया हमने, महिलाओं को हजार हजार रुपए महीना मिल रहे हैं, 1250 मिल रहे हैं, शिवराज सिंह है, सब कुछ मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि आप मालिनी गौड़ और राजा मांधवानी में से मालिनी गौड़ को चुनते हैं। तो ये तो हमारे साथ में एक वोटर जो कि इंदौर की विधानसभा नंबर 4 से बिलोंग करते हैं, इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया और ये तो भैया मालिनी गौड़ को ही वोट देंगे। लेकिन हमारे पास और भी लोग हैं, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, जिनसे हम ये जानेंगे कि उनके दिल में क्या है। आइए, हमने जो इंटर किया है वो इंदौर का सराफा बाजार है, ये वो बाजार है जो हर समय गुलजार होता है, हर समय यहाँ पे रौनकें लगी होती है। हम बात करेंगे, भाई साहब आपका शुभ नाम क्या है? विशाल गुप्ता। विशाल जी, आप इंदौर के रहने वाले हैं? नहीं, हम गुजरात के रहने वाले हैं। अच्छा, आप गुजरात के रहने वाले हैं। आपको क्या लगता है एमपी के चुनाव कितने इंटरेस्टिंग होने वाले हैं? इस बार तो एमपी के नहीं हर स्टेट के चुनाव बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाले, क्योंकि बहुत ही कड़ी टक्कर है। जो इंडिया खड़ा किया है वो जो मतलब फेल होता दिख रहा है, और मोदी जी इस बार भी आएंगे। हम अपने दर्शकों को बता दें, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है ये गुजरात से हैं और मोदी जी खुद भी गुजरात से ही है। वैसे इस बार माना जा रहा था कि गुजरात में मोदी जी की और मोदी जी की टीम की हालत बहुत खराब होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सेम स्थिति अगर हम कहें तो अभी मध्य प्रदेश में है, यहाँ के जो चुनाव है वहाँ कपड़े फट चुके हैं, चप्पलें उठ चुकी है, कोई दिए बना रहा है, कोई जलेबियाँ तल रहा है, मतलब नेताओं के सारे स्टंट्स और ड्रामे जारी है। इसी बीच कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव हार सकती है, तो आपको लगता है कि यहाँ भी गुजरात की तरह ही होगा और जो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस जीतेगी वैसा नहीं होके और बीजेपी जीत जाएगी? ये पब्लिक है सब जानती है, सो पब्लिक को सब पता है कि कौन ड्रामा कर रहा है और कौन असली में जनता की सेवा कर रहा है। तो यानी कि हम आपको बता दें कि हमारे साथ अभी जो
मौजूद थे वो इंदौर से नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि उनका कहना है कि भाई जो लोग काम करते हैं उन्हें जनता पहचानती है और जनता उन्हें वोट जरूर देगी, और उनका कहना है कि जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी। लेकिन अभी ऐसा हम कह नहीं सकते क्योंकि अभी तो चुनाव होने हैं और चुनाव के बाद जनता तय करेगी, क्योंकि जनता जो है वही इस समय मोदी का भाग्य लिखेगी, वही इस समय शिवराज का भाग्य लिखेगी, वही कमलनाथ का भाग्य लिखेगी। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद है, आपका शुभ नाम जान सकते हैं? तेजस नेवे। तेजस को मैंने आइसक्रीम खाते खाते डिस्टर्ब किया है, तेजस इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। मुझे बताइए आप इंदौर के हैं? नहीं, प्रॉपर जलगांव। जलगांव यानी कि महाराष्ट्र के हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, हम इंदौर के जिस मार्केट में हैं यहाँ पे बाहर के लोगों का मिलना बहुत आम बात है। आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश के चुनावों में किसकी जीत होगी? उसकी कोई आइडिया नहीं। इसकी कोई आइडिया नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। इंदौर का सराफा कैसा लगा? एक नंबर है, मस्त है। और आइसक्रीम एक सुपर है। तो ये हमारे साथ तेजस थे, लेकिन तेजस इंदौर के नहीं है। भाई साहब आपका क्या नाम है? पीयूष। पीयूष जी आप कौन सी विधानसभा के? मतलब 18 साल के नहीं। अच्छा, ओ वेरी बैड। ये तो अभी 18 साल के नहीं हुए तो ये हमें जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन अगर आप 18 साल के होते तो आप किसको देते? बीजेपी को ही वोट देते। भाई आप कौन से विधानसभा क्षेत्र के हैं? तीन नंबर, यानी आप गोलू शुक्ला को वोट देते हैं? चलिए हमारे पास और भी लोग मौजूद हैं और हम लोगों से बात करें। हम आपको बता दें ये मार्केट में दुकान लगाकर बैठे हैं जो, हम उनसे बात करेंगे। भाई साहब आपका शुभ नाम? सोमेश गिरी। सोमेश जी आपको क्या लगता है, आप कौन से विधानसभा क्षेत्र से? तीन नंबर क्षेत्र गोलू शुक्ला। आप वोट किसे देंगे? गोलू शुक्ला को। गोलू शुक्ला। और आपको नहीं लगता कि जो गोलू शुक्ला हैं वो उस क्षेत्र के लिए नए हैं, उन्होंने अभी पहली बार तभी उस क्षेत्र में एंटर किया है जब उनको इस क्षेत्र के लिए भले नए होंगे बाकी उनकी राजनीति पुरानी है। तो भाई साहब तीन नंबर विधानसभा के लोगों का भी आज हमने लोगों की भी राय जानी थी और उस समय लोगों का ये कहना था ये आपने आवाज मुझे लगता है मेरे दर्शकों ने सुनी होगी, अगर नहीं सुनी तो मैं आपको बता देती हूँ कि भाई साहब का कहना है कि गोलू शुक्ला को किसी पहचान की जरूरत नहीं है, वो किसी के मोहताज नहीं है और वो लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं और गोलू शुक्ला ही जीतेंगे। हम आपको बता दें कि इंदौर की जिस विधानसभा में अभी हम मौजूद हैं ये विधानसभा नंबर 4 में आता है, सराफा मार्केट है। यहाँ के लोग अगर हम यहाँ पे बात करें तो राजा मांधवानी वर्सेस मालिनी गौड़ का यहाँ पर रणक्षेत्र है, लेकिन उसके अलावा हम इंदौर के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के लोगों से बातचीत कर रहे हैं और हम उनसे जान रहे हैं कि वो किसे वोट देंगे। तो आइए भाई साहब आपका क्या नाम है? राजेश सोलंकी। राजेश जी आप कौन सी विधानसभा से बिलोंग करते हैं इंदौर की? इंदौर के लोकसभा है, बीजेपी। विधानसभा क्षेत्र कौन सा है उसकी जानकारी? वार्ड नंबर 1। वार्ड नंबर 1 तो संजय शुक्ला को वोट देंगे या कैलाश विजयवर्गीय? कैलाश विजयवर्गीय को। कैलाश विजयवर्गीय को, लेकिन क्यों? कैलाश जी तो दिन भर फ्लाइट से उड़ते रहेंगे, आपके हाथ ही नहीं आएंगे फिर? मैं माफ करना, सॉरी। आएंगे से कहां जाएंगे? आएंगे नहीं, आप भी आज हमारे कुशवाहा का क्षेत्र में है, इसके बाद 8 दिन पहले बुलाया था उनको, वो भी वहाँ पे उपस्थित हुआ था हमारे घर के सामने ही। 2 दिन बाद वार्ड में आ गए, जब भी बुलाया जब भी आए वो। तो इनका कहना है कि ये वार्ड नंबर 1 से हैं और ऐसा नहीं है कि संजय शुक्ला ही अवेलेबल रहते हैं, कैलाश विजयवर्गीय को जब भी बुलाया जाता है वो भी आ जाते हैं। तो वार्ड 1 में तो भैया 50-50 का मामला है, हम जितने लोगों से बात करते हैं वो अलग अलग तरह की बातें हमको बताते हैं, लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे लोग मौजूद हैं। हम और विधानसभा क्षेत्र के लोगों को ढूंढते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई साहब आपके दिल में क्या है, आपका शुभ नाम? हितेश सोनी। हितेश जी आप इंदौर की कौन सी विधानसभा से बिलोंग करते हैं? विधानसभा नंबर क्या है पीयू अपने यहाँ का ध्यान है? हुकुमचंद मार्ग 78 इतवारिया बाजार। अरे आपके प्रत्याशी कौन है? मालिनी गौड़। मतलब आप 4 नंबर विधानसभा से हैं, तो मालिनी गौड़ वर्सेस राजा मांधवानी में आप किसे चुनेंगे? मालिनी गौड़ को। और इसकी वजह क्या है? वजह तो ये है कि कार्य भी कर रहे हैं वो, हम उसी क्षेत्र में भी रहते हैं। राजा मांधवानी को क्यों नहीं चुनेंगे आप? कांग्रेस को एक मौका नहीं देना चाहेंगे? लगातार इतने सालों से सत्ता में बीजेपी ही है, नहीं लगता कि किसी नए चेहरे को जरूरत है? जरूरी तो है कि सत्ता परिवर्तन भी जरूरी है, कि सत्ता में परिवर्तन होगा तो कुछ परिवर्तन बहुत सारे हो सकते हैं, और प्रत्याशी को भी मालूम पड़ना चाहिए कि आगे उनको अच्छा कार्य करना है। तो फिर अब आपने क्या सोचा है, किसे वोट देंगे?
सोचना पड़ेगा। तो इन भाई साहब को मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है, वैसे ये कह रहे थे कि मालिनी गौड़ को वोट देंगे, लेकिन मेरा ऐसा सवाल है कि भाई साहब लगातार बार बार एक ही महिला को आप वोट दे रहे हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है? भाई साहब को रीजन नहीं पता था, इससे अभी भाई साहब थोड़े से कंफ्यूज है। पर हम और भी लोगों से बात करेंगे, जानेंगे भैया आपकी विधानसभा में कौन आपके आमने है, कौन आपके सामने है, आप किसे चुनने वाले हैं। भाई साहब आप 18 साल के हो गए क्या? 18 साल के हो गए? अरे भाई साहब 19 के हो गए, बहुत बहुत बधाई हो। हम एक और की राय जानेंगे। भाई साहब कौन से क्षेत्र में रहते हैं? इंदौर। इंदौर तो भाई साहब बहुत ही बड़ा है, 5 विधानसभा क्षेत्र है, कौन से विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं? अरे आपके क्षेत्र में कौन वोट मांगने आ रहा है? कोई भी नहीं आ रहा है। एक नंबर विधानसभा से है यार, आपको नहीं पता संजय शुक्ला वर्सेस कैलाश विजयवर्गीय की लड़ाई है वहाँ पर, किसे वोट देने वाले? ये भाई साहब किसी को वोट नहीं देने वाले हैं, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स से ये जरूर कहूंगी कि वोट जरूर दें। मैं आपको बता दूं, मैं जिस शहर में रहती हूं मैं उस शहर में वोट नहीं दे सकती हूं, क्योंकि मैं किसी और शहर की रहने वाली हूं। मैं वोट देने के लिए अपने शहर हर बार जाती ही हूं, चाहे मैं कहीं भी हूं। मैं अपनी जनता को, मैं अपने व्यूअर्स को ये ज़रूर कहूंगी कि ऐसा बिल्कुल ना करें। वोट देना आपका हक नहीं, आपका कर्तव्य है। बाद में आप ये रो नहीं सकते कि सरकार हमारी सुनती नहीं है। बहरहाल हम और लोगों से बात करेंगे जो अपने कर्तव्यों के लिए थोड़े जागरूक हैं, हम उनसे बात करेंगे। भाई साहब आपका नाम क्या है? रोहित। रोहित आप 18 साल के हो गए? हाँ हो गया हूँ। वोट देते हैं? देते हैं। कौन से क्षेत्र से हैं आप? हाँ मैं अपने बिचोली मर्दाना। बिचोली मर्दाना मतलब 5 नंबर विधानसभा? जीतू पटवारी। अच्छा जीतू पटवारी, मतलब इन्होंने बोला ही जीतू पटवारी, इसका मतलब ये वोट भी जीतू पटवारी को ही देंगे? हाँ जीतू पटवारी। मधु वर्मा को नहीं जानते आप? नहीं नहीं जानते ही नहीं है, वोट भी नहीं देना हमको, तो जीतू पटवारी को ही देना, हमारा सारा काम ही वही करवाते हैं। वो आपके काम करवाते हैं? चलिए बहुत, हमारे मदद करते हैं हमारी। ये इंदौर की राव विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं, जहां जीतू पटवारी वर्सेस मधु वर्मा का खेल चल रहा है। ये खेल लगभग एक तरफा माना जा रहा है, क्योंकि जीतू पटवारी अपने क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय से सक्रिय हैं, वो ऑलरेडी उस क्षेत्र के सिटिंग MLA हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि राव विधानसभा सीट जीतू पटवारी के लिए पक्की है, जनता का भी यही मूड है। लेकिन ये होगा या नहीं ये तो आपको 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। बहरहाल तब तक हम और लोगों से जानते हैं कि भाई उनका क्या मूड है, वो किसे वोट देने वाले हैं। भाई साहब नमस्कार, आपका नाम जान सकते हैं? मनोज यादव। मनोज यादव। मनोज जी आप कौन से विधानसभा क्षेत्र में हैं इंदौर के? मैं एक नंबर। एक नंबर विधानसभा यानी कि कैलाश विजयवर्गीय वर्सेस संजय शुक्ला, किसे वोट देंगे? कैलाश जी को। कैलाश जी को, लेकिन क्यों? वो तो बड़े नेता है। मतलब नहीं, बीजेपी ने विकास किया है, विकास को वोट देंगे। भाई साहब आप वोट दे सकते हैं? आप कौन से विधानसभा में? एक नंबर। एक नंबर में, तो आप किसे वोट देंगे? कैलाश विजयवर्गीय जी। कैलाश विजयवर्गीय जी को। अभी हम आपको बता दें कि हम जितने भी एक नंबर विधानसभा में हमने जितनी भी बात की है, जनता के बीच भी जब गए हैं, जब हमने वहाँ पर कई जगह पर लोगों से बात की, अधिकतर लोगों का यही मानना है कि कैलाश विजयवर्गीय भले ही बड़े नेता हों, लेकिन जब वो महापौर भी थे तो उन्होंने उस क्षेत्र का विकास किया है, और इसलिए वो कैलाश विजयवर्गीय को चुनेंगे। बहरहाल हम आपको ये बता दें कि संजय शुक्ला बेहद कड़ी टक्कर कैलाश विजयवर्गीय को दे रहे हैं। हम अपने दर्शकों को ये भी बता चुके हैं कि इंदौर की जिस भी विधानसभा पर आज तक कैलाश विजयवर्गीय खड़े हुए हैं, उन्होंने उस विधानसभा सीट को अजेय बना दिया, यानी वो एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो किसी भी विधानसभा में खड़े हो जाए वो जीत उनकी तय हो जाती है। पहले महू विधानसभा को भी उनके लिए बहुत टफ माना जा रहा था, लेकिन आज उन्होंने उसे पक्की भारतीय जनता पार्टी की सीट बना दी है। लेकिन इस बार संजय शुक्ला उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं, और उनके साथ उनके लिए चुनावी प्रचार आकाश विजयवर्गीय यानी कि उनके बेटे कर रहे हैं, जिन्हें 3 नंबर विधानसभा से टिकट नहीं दिया गया है। हम आपको और एक चीज बता दें, हमने आज जब आकाश विजयवर्गीय से इस बारे में बात की थी तो उनका ये कहना था कि बेटा विधायक हो या बाप, बात तो एक ही है, उनको करना तो जनता की सेवा ही है। बहरहाल कौन नेता जनता की कितनी सेवा करता है ये तो पब्लिक जानती है। अभी मैं एक ऐसे स्टॉल पे खड़ी हूँ जो पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट है। भाई साहब ये मुझे आप ठंडों में पिला लो, गर्मियों में पिला लो, मैं हर समय पी लेती हूँ, लेकिन मैं अभी यहाँ पीने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ बात करने आई हूँ। भाई साहब आपका शुभ नाम क्या है? दीपक सेन। दीदी दीपक जी मुझे आप एक बात बताइए कि आप कौन सी विधानसभा क्षेत्र से हैं? क्षेत्र क्रमांक 4 से। दीदी 4 यानी कि मालिनी गौड़ वर्सेस राजा मांधवानी, किसे वोट देंगे? जी मालिनी गौड़। मालिनी गौड़, और उसकी वजह क्या है? दीदी क्योंकि हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छे काम हुए हैं, वो हुए सब अच्छा करा उधर। लेकिन कांग्रेस तो आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी ने 4 नंबर विधानसभा में कोई विकास ही नहीं किया। नहीं दीदी ऐसा नहीं हो सकता, देखिए आप जाके वहाँ पे। तो आप पक्के वोटर हैं भारतीय जनता पार्टी के? या वोटर है, देखो दीदी ऊपर ही लिखा जय श्री राम।
ये मैं चाहूंगी कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं वो इसे जरूर देख लें। मध्य प्रदेश की राजनीति में अयोध्या का राम मंदिर कितना इफेक्ट डालेगा ये हम आपको वीके न्यूज पे कई दफा बता चुके हैं, लेकिन ये जय श्री राम का बोर्ड दिखाकर मुझे ये मेरे फेवरेट शॉप वाले भैया ने ये बोला है कि भाई साहब बहन जी आप ये देख लो मेरी दुकान पर जय श्री राम लिखा है, इसलिए मैं वोट तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही दूंगा। बहरहाल हम और भी लोगों से ये जानेंगे और इसके बाद हम रुक करेंगे उन लोगों की और जो किसी और विधानसभा क्षेत्र से हो। आप कहाँ से हैं, मतलब आपका शुभ नाम क्या है? विकास शर्मा। विकास जी आप कौन सी विधानसभा से बिलोंग करते हैं? मैं विधानसभा 5। विधानसभा 5 यानी महेंद्र हार्डिया वर्सेस सत्यनारायण पटेल। जी जी, वोट देने वाले हैं हार्डिया जी के नेतृत्व में है हम तो सर। सिटिंग एमएलए हैं महेंद्र हार्डिया, हम आपको बता दें 5 नंबर विधानसभा क्षेत्र से और ये उन्हें ही चुनेंगे। चुनने की वजह क्या है? बहुत काम करते हैं वो और बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं वो। बहुत काम करते हैं, हमने तो सुना है नेताजी किसी से मिलते ही नहीं है। नहीं नहीं, हम तो डेली मिलते हैं उनसे। आप उनके पीए भी है तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, पीए नहीं हूँ मैं कर्मठ बीजेपी के साथ हूँ। ये किसी के पीए भी है नहीं है, लेकिन इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इनसे मिलते हैं और इनके जो विधायक हैं महेंद्र हार्डिया वो इनसे मुलाकात करते हैं और इसीलिए ये महेंद्र हार्डिया को ही चुनेंगे। बहरहाल वीके न्यूज पर हम लगातार मध्य प्रदेश की यात्रा करके आपको हर विधानसभा क्षेत्र का हाल बता रहे हैं। ये इंदौर, लेकिन विधानसभा 4 में हम खड़े हैं, पर हमने यहाँ पर अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के लोगों से ये जाना कि अगर आप वोट देंगे, अगर आप किसे चुनेंगे तो लोगों का मत क्या था, ये हम आपको बताते हैं। इसके बाद हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के ये चुनाव कितने दिलचस्प होने वाले हैं ये तो आप देख ही रहे हैं। इस समय हाई वोल्टेज ड्रामा मध्य प्रदेश में जारी है, जनता अपने अपने मन को बना चुकी है, हर प्रत्याशी अपनी जीत का दम दिखा रहा है, लेकिन जनता अपना दम दिखाएगी 17 नवंबर को और रिजल्ट आएंगे 3 दिसंबर को। तो आप जानेंगे 3 दिसंबर को कि किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार और एमपी के दिल में कौन है। तब तक के लिए कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है, किसकी बात के पीछे क्या मतलब है, अगर आप ये जानना चाहते हैं देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।